बीपीएससी सातवां चरण शिक्षक भर्ती के लिए दरभंगा में मास्टर्स पॉइंट संस्थान का हुआ उद्घाटन। दरभंगा शहर के नाका नंबर 5 के नजदीक मास्टर्स पॉइंट्स का उद्घाटन हुआ, जहां संस्थान के निर्देशक राजीव रंजन और दिल्ली से आई बीपीएससी स्पेशलिस्ट टीम और दरभंगा के गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। संस्थान के निर्देशक ने बताया कि मास्टर्स पॉइंट में दिल्ली के मुखर्जी नगर के सर्वश्रेष्ठ संस्थान के शिक्षकों की टीम के द्वारा बीपीएससी सातवें चरण शिक्षक भर्ती की तैयारी कराई जा रही है। सभी सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट के द्वारा सब्जेक्ट की पढ़ाई करवाई जाएगी। हर टॉपिक पढ़ाने के बाद इसका टेस्ट लिया जाएगा। प्रत्येक सप्ताह में एक मल्टीपल टेस्ट होगा, जो पूर्णतः बीपीएससी न्यूज सिलेबस पर आधारित होगा। सभी टीचर दिल्ली मुखर्जी नगर से आए हैं, जो 15 साल से ज्यादा दिल्ली मुखर्जी नगर में प्रसिद्ध संस्थान में पढ़ा रहे हैं। गर्ल्स के लिए हॉस्टल की व्यवस्था है। मास्टर पॉइंट का सेंटर दरभंगा के साथ साथ मधुबनी में भी है। देखिए, सबसे पहली बात जो दरभंगा की आप बात कर रहे हैं, ये जो बीपीएससी बेसिकली अभी जो मैं बात करूँ, ये सातवीं चरण जो शिक्षक भर्ती जो आया है इसके लिए है। जब से ये सातवीं चरण शिक्षक भर्ती को जब नोटिफिकेशन आया और ये बोला गया कि एग्जाम बीपीएससी के थ्रू कंडक्ट किया जाएगा, हमने ये देखा कि स्टूडेंट और छात्रों में, मतलब मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा घबराहट था। घबराहट इन द सेंस, इसको ये लग रहा था क्या पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे। इस टाइप का दरभंगा और मधुबनी में बात करूँ तो कोई प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट नहीं है, या मिथिलांचल की मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा रिजल्ट देने वाला नहीं है। तो मैंने जब विजिट किया शहर, इवन दरभंगा की बात करूँ, तो मैंने ऐसे देखा स्टूडेंट भयभीत है, उसको प्रॉपर गाइड नहीं करने वाला। या मैं देखा तो यहाँ पे कुछ लोकल इंस्टीट्यूट भी होता है जो हर जगह है बच्चों, तो उसमें सिंपल मैंने एक चीज देखा कि ये क्या करता था, कोई एक टीचर है या दो टीचर मिलकर क्या क्या पढ़ाया, अब पूरा जीएस करवा देता था, तो बच्चों को उसमें भरोसा नहीं हो रहा था। तो नमस्कार, मैं उत्कर्ष सिंह मास्टर्स पॉइंट से। यहाँ पे मिथिलांचल में आने का एक बहुत बड़ा रीजन ये था कि इस इलाके से बच्चों के पास टैलेंट है, लेकिन उनके पास थोड़े संसाधन की कमी है, जिसकी वजह से वो बड़े शहरों में पटना और मुखर्जी नगर से दिल्ली वगैरह नहीं जा पाते हैं, ताकि जिससे उनका जो रिजल्ट है वो उतना अच्छा नहीं आ पाता जितना आना चाहिए। तो हम लोगों ने प्लान किया कि यहाँ पे आते हैं और बिल्कुल बेस्ट फैकल्टी को दिल्ली से ऑनबोर्ड करते हैं सीधे दरभंगा और अपने मधुबनी सेंटर पे, ताकि बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी बच्चों को डिलीवर की जा सके। यहाँ पे दूसरी एक और बात आती है कि जो हमारा बच्चों को प्रैक्टिस का होता है, तो बच्चे क्लास में, यहाँ पे हमने लोकल कोचिंग्स में देखा कि वहाँ पे उनको वही गिने चुने जो 20-25 साल पुराने क्वेश्चंस आते थे, उन्हीं क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस कराई जा रही है। कुछ लोकल्स बुक हैं, उन्हीं बुक के क्वेश्चंस को घुमा फिरा के वो दे रहे हैं, लेकिन बीपीएससी जो है इस बार उनके अध्यक्ष महोदय ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि पैटर्न ईजी नहीं होगा। तो हम लोगों ने बिल्कुल एकदम सर, देखिए दरभंगा में ये इंस्टीट्यूट मास्टर पॉइंट के नाम से नाका नंबर 5 पे है, और यहाँ पे बीपीएससी का हमने यहाँ और मधुबनी दो जगह, मधुबनी में लोहापट्टी में, वहाँ दोनों जगह हमने इसका बीपीएससी का जो टीचर्स का है उसको हमने स्टार्ट किया, चालू किया है। सबसे बड़ी चीज़ है कि देखिए यहाँ पे क्या है कि बच्चा रटा रटा है कंसेप्ट पे पढ़ाई करता है, और ज़्यादातर इंस्टीट्यूट वाले एक ही तरीके का प्रोजेक्ट इसमें इंक्लूड करे हैं। तो हम लोग जो है पूरा मुखर्जी नगर से, मैं खुद ही सिविल एजुकेटर हूँ और मैं जनरल साइंस साइंस एंड टेक की फैकल्टी हूँ, तो हम सारे टीचर्स मुखर्जी नगर से एक प्लान बना के यहाँ पे आए कि हमारा जो बैच चलेगा बीपीएससी के लिए, वो बच्चों को जो कंसेप्ट है कंसेप्ट के अकॉर्डिंग बच्चा उसको समझे और वो रटे नहीं, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को एग्जाम में करके और इस एग्जाम में सफल हो।